हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग आए हुए हैं ऑटो एक्सपो 2023 में, जो कि हो रहा है अपने ग्रेटर नोएडा में। बाकी अभी ये गाड़ी है आपके आपके सामने, देख सकते हैं ग्रैंड विटारा, क्या खतरनाक लग रही है ये ब्लैक एडिशन में। आप देख सकते हैं, मतलब जो इसके दूसरे कलर्स आते हैं ना, उससे बिल्कुल ही लुक इसका, बिल्कुल ही कम्प्लीटली लुक इसका चेंज हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ये डार्क एडिशन की वजह से। क्योंकि जो इसका देख सकते हैं डार्क कलर तो दे दिया, बाकी जो ये क्रोम इंसर्ट जो आते थे, जिसे आपको मैं अभी मैट ब्लैक कलर दिखाऊंगा, इसका मैट ब्लैक कलर भी लॉन्च हुआ है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो ये वाले पार्ट्स हैं ना, ये भी आपको ग्लॉसी, जैसे ये सिल्वर फिनिश है ना, वैसे में रखे गए हैं। वो सिल्वर, वो आपको क्रोम, मतलब क्रोम फिनिश में ही आते हैं, बट इसमें जो शाइनी ब्लैक कलर आया है इसका, उसमें आपको ये सारे जो का वो ये चीज़ भी आपको थोड़ा डार्क मैट, मतलब मैट कलर में आपको दिए गए ब्लैक, मतलब सॉर्ट ऑफ अ सैटिन, मैट सैटिन कलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका ग्रिल है, ये सब ब्लैक कर दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे सेम जो ऊपर का आपका वो है, वही वैसे सेम फिनिश मैट में मिल जाती है, पूरा ब्लैक बम्पर है, ठीक है। बाकी अगर आपके साइड की बात करूँ तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक आता है, खतरनाक ही बनाया गया। मतलब ये भी ऑल ग्रिप वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, जहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ मिल जाता है इसमें। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हैं अलॉय व्हील्स, ये भी आपको थोड़ा ग्रेइश फिनिश में दिया गया है, मैट फिनिश ग्रेइश फिनिश में दिया गया है, जिसमें आपको पोलो टायर मिल जाता है। तो जो टायर साइज है वो है 21560R17 के व्हील्स मिल जाते हैं आपको, जो इसका वो है बूट में है उसमें भी आपको 17 इंचज के व्हील्स मिलते हैं आपको। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बट ये डार्क एडिशन में क्या खतरनाक लग रही है। मतलब यहाँ पे कोई अलग ऐसा कोई, जैसे टाटा वगैरह है हमारे यहाँ पे, मतलब वो लोग अपने यहाँ पे हैशटैग डार्क का वो लिखते हैं, या मारुति ने ऐसा कुछ भी कहीं पर भी वो नहीं किया है, लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं डाला है कि ये आपका डार्क एडिशन है या कोई भी एडिशन है, ऐसा कुछ नहीं डाला है। बट मारुति ने सीरियसली बहुत बढ़िया काम करा है ये, मतलब डार्क एडिशन में ला के कोशिश की गई है कि मतलब लोगों को आज के टाइम में, जैसे टाटा ने जब से निकाला डार्क एडिशन, तो उनकी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं उस एक वजह से। तो टाटा ने भी कोशिश, मतलब मारुति ने भी कोशिश की है कि जो उनकी व्हीकल्स है, जब लोगों को पसंद ही ब्लैक आ रहा है, तो उनको ब्लैक ही ला के दिया जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको, यहाँ पर मिल जाता है आपको LED DRLs स्ट्रिप वेरियंट में, स्ट्रिप से मैं थोड़ा भाई को जगा देते। बाकी यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ग्रैंड विटारा का बढ़िया से आपको मिल जाता है लिखा हुआ। बाकी इस साइड चलते हैं तो इस साइड भी आपको सेम वही डार्क फिनिश। आप यहाँ पे देखिएगा ऐसा लाइट पड़ रही है ऊपर से, अब लाइट पड़ने के बाद क्या खतरनाक लग रही है यहाँ पे, ब्लैक सही लग रही है मतलब। बट ये है कि ब्लैक को थोड़ा ना मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट जिन्होंने मेंटेन करना जानते हैं, जिन्होंने ब्लैक ली ही है उस कैब से, तो अगर सीधी सी बात है दो तरह के लोग होंगे, या तो वो सोच के लेंगे कि भैया हम ब्लैक ले रहे तो संभालेंगे, संभाल के लेंगे। अगर दूसरे बंदे होते हैं जो सिर्फ ब्लैक ले लेते हैं, उनको संभालना नहीं पता, बहुत लोग होते हैं ऐसे, वीडियो देख के अपना समझ जाएंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट में फिनिश दी गई है, वैसे ही आपको प्लास्टिक में मैट का फिनिश दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको ग्रेपरेल के ऊपर आपको थोड़ा वेट वगैरह रखने के लिए आपको स्टैंड वगैरह से दे दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको जिमनी में मिली थी, वैसे सेम यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसका मैक्सिमम वेट कुछ है कि नहीं, वो उसमें कुछ मैंशन नहीं है, या तो शायद ये लुक के लिए है, अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ऐसे कुछ लुक है साइड से पूरा, देख सकते हैं। अब एक बार रेयर की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही सॉर्ट ऑफ अ ग्रेइश फिनिश, जो मैट फिनिश जो है, जो फ्रंट में आपको ग्रिल में दिखा था और नीचे बम्पर में दिखा था, वैसे कुछ दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक लग रही है इसमें, इस कलर में। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ तक, वो जो ये लाइन आ रही है वो कम्प्लीटली यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड लिखा रहा है, ऑल ग्रिप आ रहा है। अब जो ये ऑल ग्रिप वेरिएंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मारुति का जो खुद का 1.5 लीटर का K15C सीरीज जो इंजन आ रहा है, जो कि 105 bhp पावर निकालता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, उसी के साथ सिर्फ ये आता है ऑल ग्रिप। जो इनका कंप्लीट हाइब्रिड वेरिएंट है, जो इन्होंने टोयोटा के साथ मिलकर निकाला, उसमें कोई भी ऑल ग्रिप वगैरह का वेरिएंट नहीं आता है, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ इसका बैक से लुक है, सॉर्ट ऑफ आपको ब्लू सा लग रहा होगा टिंट, पीछे से कलर वो आ रहा होगा, जैसे लाइट पड़ रही है उस हिसाब से सॉर्ट ऑफ मतलब आ रहा होगा ब्लू आपको कैमरे में, बट ये ब्लू नहीं, कम्प्लीटली ब्लैक है। लिटरली आप मानो एक बार जाके शोरूम में जाके देखो, सही में बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी इसका जो प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता ही है, वो इसका उसके ब्याह उसमें प्लेटफॉर्म बनी हुई है, जिसपे आपके पहले ब्रेजा भी आया करती थी, तो वो 4 स्टार लेके आई है, तो ये भी जहाँ तक है 4 स्टार तो कम से कम लेके आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है एक प्लेटफॉर्म से एक गाड़ी के सेफ्टी के ऊपर। बाकी उस चीज़ के आगे देखते हैं यहाँ पे, बट ये चीज़ आगे अगर आपने पूरा ब्लैक बनाया है, तो इसको भी आप ब्लैक कर सकते थे, और
बाकी ऐसे से कुछ लुक है, ग्रैंड विटारा लिखा गया, ये भी थोड़ा आप ब्लैक में कर सकते थे, डार्क में एडिशन, मतलब जैसे भी अच्छा लगता। बाकी आप नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको वही सेम आपको बम्पर जो है ग्रेश सैटिन ग्रे टाइप में, वैसे आपको मैट में फिनिश मिल जाता है, आप देख सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपको इंडिकेटर, ब्रेक लैंप और जो आपको रिवर्स लैंप है, ये सारे आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। ये आपकी जो लाइन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ वो मिलेगी अपना LED मिलेगी, और सारी लाइट्स जो है वो आपको हेलोजन में मिलेंगे। ये आपके लाइट्स हैं, सॉरी ये रिफ्लेक्टर है, ये मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नेक्सा की बैजिंग आ जाती है, ऊपर आपको डिफोगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ मिल जाता है। वाइपर तो है, वॉशर कहाँ है? अच्छा वॉशर वो है, आप देख सकते हैं छेद है, छेद में से पानी निकलता है, वॉशर कहाँ, ठीक है, यहाँ से आपको पानी निकलता है, मतलब हाँ ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा वॉशर, यहाँ से आपको पानी निकलता है, जो कि मतलब आप आज के टाइम पे कंपनीज अच्छा वर्क कर रही है इस चीज़ पे कि वॉशर वगैरह ज़्यादा एक्सपोज ना रहे, तो मतलब लोगों को इशू ना हो कि कोई छोड़े ना कुछ करे ना। बाकी आप आपका देखते हैं तो ये आपको विंडो गार्निश मिल जाती है, आप देख सकते हैं विंडो कवर जो बोलते हैं इसको, रेन कवर से बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये एज एन एक्सेसरीज है, ज़्यादा मेरा आइडिया है, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बाकी अगर आप अंदर की मैं बात करूँ तो मैं उस साइड से दिखाता हूँ, इस साइड तो गाड़ी थोड़ी स्लैंटेड खड़ी है, इस साइड से आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर की तरफ कंप्लीट ब्लैक नहीं रखा गया है, जो सीट्स है वो ब्लैक है, बट जो सीट के बीच का फैब्रिक है वो आपको थोड़ा चॉकलेटी फिनिश में दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं इधर भी आपको थोड़ा चॉकलेटी फिनिश में दिया गया है, ठीक है। आप डोर वाइजर का जो भी पैटर्न है वो सारा आपको, वो भी आपको सारा चॉकलेट फिनिश में दिया गया है, तो मतलब कम्प्लीटली ब्लैक नहीं रखा गया है। बट हाँ, जो लोगों को चाहिए था एक उस चीज़ की डिमांड मारुति ने पूरी की है, वो चीज़ के लिए हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से मारुति को। बाकी जो इसका मैट ब्लैक दूसरा कलर है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, और अभी के लिए भी इस वीडियो को इतने रखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका ब्रेजा का जो सेकंड जो मैंने आपको बोला था मैट ब्लैक कलर, जो कि मतलब वैसे तो बहुत सेक्सी लग रहा है मैट ब्लैक फिनिश में, आप देख सकते हैं थोड़ा, अगर जिसने मेरी सुजुकी जिक्सर देखी है वैसे टाइप का ही कलर है इसका, ठीक है, मैट ब्लैक फिनिश है बिल्कुल, ठीक है, वही सेम चीज़ है। बट यहाँ पे आपको जो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको जो वहाँ पे आपको मैट सैटिन ग्रे टाइप मिल रहा था, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोम का फिनिश है, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे आपको ग्रेइश फिनिश है जो कि ग्लोसी ग्रे है, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक का फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको वापस से ग्लोसी ब्लैक का फिनिश, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश जो है सारा कुछ आपको मिलता है, शाइनी सिल्वर, ठीक है। जो भी मतलब ये डिफरेंस है मेन कल जो कलर में डिफरेंस है वो सब ये है। अब बाकी ऐसे कुछ लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट जला दी गई है, ठीक है। अब एक बार मैं साइड में चलता हूँ तो जो इसका एलॉयज है ये भी आपको डायमंड कट है, ब्लैक या ग्रेश फिनिश में नहीं है जैसे उसमें दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सारा देख सकते हैं सिल्वर फिनिश मिलता है, और नीचे भी ये भी जहाँ तक मेरा आइडिया है ये दोनों ही, ये ऊपर वाले का तो आइडिया नहीं, नीचे वाला तो जितना भी ये ग्लोसी ब्लैक में है या पेजन एसेसरी ही मिलेगा। बाकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह आपको आता है। अब बाकी मैं आपको जो आपको सीट्स का बताया था वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट्स पर कितना वो है, सीट्स से जो कलरिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ये तो ब्लैक मिलता है बट ये आपको थोड़ा सॉर्ट ऑफ चॉकलेट कलर मिलता है, चॉकलेट कलर फिनिश, यहाँ पे भी आपको चॉकलेट कलर फिनिश मिलता है और यहाँ पे भी आपको चॉकलेट कलर फिनिश मिलता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी आपको चॉकलेट कलर फिनिश दिया गया है, ठीक है, ऐसे से कुछ लुक है। बाकी जो वो है सनरूफ है वो आपको थोड़ा ब्लैकिश में मिलता है, वो अच्छी बात है, बट ऐसे ही कुछ इसका वॉक अराउंड और सारा वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जितना भी हो सके, दोस्तों घर वालों को सबको शेयर कर देना आपके, और मेरे से कुछ आपको क्वेरी है या फिर आपसे कुछ मेरे को शिकायत है कुछ भी, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रखा गया है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप पिंग कर सकते हैं, आपके लिए जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ के लिए मैं आपको लेके आऊँगा, रिप्लाई दूंगा या फिर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए इतने रखते हैं, ऐसे कुछ ले वो इंडिकेटर चलते हैं इसी में DRS में, ठीक है, अभी लेते रखते हैं, बाय।